सीआईडी में इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत की जोड़ी को सबसे काबिल जोड़ी माना जाता है, लेकिन जब कोरोना की दस्तक आती है सीआईडी में तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच में सीआईडी में किसी को कोरोना हो गया है। सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सीआईडी या फिर न्यू सीआईडी लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों, कोरोना जो है वो भारत में अपनी रफ्तार जो है वो थोड़ा सा धीमा कर रहा है, क्योंकि 10-15 दिन पहले दोस्तों 4 लाख के ऊपर केसेस आ रहे थे, अभी जो केसेस है वो 2 लाख से नीचे आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें और अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों, सीआईडी में किसको कोरोना हो गया है? तो देखिए दोस्तों, सीआईडी में रियल में किसी को कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक बहुत ही जल्दी एक सीआईडी का एपिसोड दिखने वाला है जहां पे 4 सीआईडी अफसरों को कोरोना होने वाला है और वो आपको बताएंगे कि आपको कोरोना होने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे वैक्सीन लेना चाहिए, कितने दिनों के बाद वैक्सीन लेना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, ये सब कुछ आपको इस स्पेशल एपिसोड में पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस एपिसोड को भी खूब सारा प्यार ज़रूर देंगे।